इंद्रजीत महतो जी का स्वागत करेंगे। सौरभ, हम अनुरोध करेंगे एक भी वादे 9 महीने के अंदर पूरी नहीं, उल्टे इस 9 महीने के अंदर जहां पूरी दुनिया कोरोना महामारी से जूझ रहा था, ये सरकार इतनी निकम्मी सरकार, अक्षम सरकार की राजधानी के हिंद पीढ़ी मोहल्ला इस सरकार से नहीं सके। और इस कोरोना महामारी में भी ये गठबंधन की सरकार भ्रष्टाचार का कोरोना फैलाने का काम, आज सारे राज्य में इस 9 महीने के अंदर 1500 से ज्यादा, चाहे छोटे अधिकारी हो चाहे बड़े अधिकारी हो, किस तरह ट्रांसफर पोस्टिंग में लेन देन हुए ये सब जग जाहिर है। और आज ये जनता कहने लगी ये सरकार कैश ऑन कैरी, यानी पैसा दो काम कराओ की नीति में इस 9 महीने में यह सरकार अपना चरित्र प्रस्तुत किए। और मुझे विश्वास है जिस तरह जनता खुल के बोल रही कि इस सरकार को जितना जल्द से जल्द इसे विदा करना और 2 उपचुनाव दुमका और बेरमो, ये जो जनता का आक्रोश है पूरे राज्य का, वो इस 2 उपचुनाव में वो रिजल्ट जनता देकर इस सरकार की उल्टी गिनती शुरू करने का काम दुमका की जनता, बेरमो की जनता करे। कोई गरीब व्यक्ति कुछ ऊंचे पद पर जाता है तो उसे गरीब गुरुवर का ख्याल रखता, जैसे मोदी जी एक समान परिवार से गए, मैं भी टाटा स्टील में 10 वर्ष तक टाटा कंपनी का लोहा तोड़कर मजदूरी कर यहां तक पहुंचा, और गरीबी के बीच रहकर गरीब गुरुओं के बीच काम करते हुए मैं यहां। लेकिन झारखंड में जो विनाश पुत्र है इनको विरासत में राज दी, इनका बाप मुख्यमंत्री, इनका बाप कभी कोयला मंत्री, कभी गरीब गुरुवा आदिवासी के बीच विनाश पुत्र नहीं रहे, सोने के चम्मच में दूध पीते हुए पैदा हुए। इन्हें क्या मतलब है गरीब से, क्या मतलब आदिवासी से। और आज झारखंड के जो 40 साल से झारखंड मुक्ति मोर्चा के लोग हमारे भोले वाले आदिवासी को मूर्ख बनाकर जो वोट देते रहे, मुझे खुशी है कि अब झारखंड की संथाल जनता जग रही है और आने वाले समय में दोनों चुनाव में इनको मुंह की खाल खानी होगी।